हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक अकाउंट को प्राइवेट कैसे करें और टिकटॉक अकाउंट प्राइवेट करने से क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको यही सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर जो आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं टिकटॉक अकाउंट को प्राइवेट कैसे करें और प्राइवेट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टिकटॉक अकाउंट प्राइवेट करने से क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपका टिकटॉक का अकाउंट प्राइवेट रहता है, तब आपके टिकटॉक का वीडियो या फिर टिकटॉक पर आप किस किस वीडियो को लाइक करते हैं वो सब कुछ कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता है। जो आपको पहले से फॉलो कर रहा है, जो आपका फ़ैन है, वही आपका वीडियो को देख सकता है, वही आपका टिकटॉक का लाइक किया हुआ वीडियो को देख सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता, क्योंकि आपका अकाउंट प्राइवेट है। तो जब आपका टिकटॉक का अकाउंट प्राइवेट रहेगा तो आपका टिकटॉक का वीडियो को कोई दूसरा बंदा नहीं देखेगा। जो आपका फ़ैन है, जो आपको पहले से फॉलो कर रहा है, वो सब देख सकता है, लेकिन जो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दूसरा बंदा, कोई भी नहीं देख सकता है। अगर जो वो आपको फॉलो करना भी चाहेगा तो उसका पहले आप पर रिक्वेस्ट आएगा, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, तब वो आपका फ़ैन बनेगा, तभी वो आपका वीडियो देख सकता है। तो ये होता है टिकटॉक अकाउंट को प्राइवेट करने का फ़ायदा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टिकटॉक अकाउंट प्राइवेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको टिकटॉक ओपन करना होगा और उसके बाद नीचे के साइड कोने में आपको यहाँ पर एक आदमी का आइकॉन दिखेगा, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। और उसके बाद ऊपर के साइड कोने में आपको यहाँ थ्री डॉट दिखेगा, तो आपको थ्री डॉट पर कर देना है क्लिक। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सेफ्टी, तो आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट अकाउंट, तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है इसको। तो जब आप इसको ऑन कर देंगे, उसके बाद आपका टिकटॉक का अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो को कोई भी आपके फैन के अलावा दूसरा बंदा नहीं देख सकता है, और आपको कोई फॉलो करना भी चाहेगा तो पहले उसका आप पर रिक्वेस्ट आएगा, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो आपका फ़ैन बनेगा और तभी आपका वीडियो को देख सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप टिकटॉक अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।